हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग? एनर्जी बना के रखो, खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट पॉइजन के बारे में, जिसे हम 99.99% लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में और खिलवाड़ कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के साथ। हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये व्हाइट पॉइजन, और इस व्हाइट पॉइजन का नाम है शुगर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिठाइयाँ कम खाते हैं तो चीनी भी कम खाते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि शुगर का इस्तेमाल कितने सारे प्रोडक्ट्स में किया जाता है और आपको पता तक नहीं है। जब आप चाय पीते हैं तो उसमें चीनी मिलाते हैं, जब आप मिठाइयाँ खाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें चीनी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप ब्रेड खाते हैं उसमें भी चीनी होती है, बर्गर खाते हैं चीनी होती है, पिज्ज़ा खाते हैं उसमें भी शुगर का ऐड किया जाता है, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, इतनी तमाम चीज़ों में जो मार्केट में जितने भी पैकेट में प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर शुगर एडेड होता है। आप चाहें तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पढ़ सकते हैं, पैकेट के पीछे पलट के देखिए उसमें किस तरह की शुगर एडेड है, कितने ग्राम शुगर एडेड है, कितने मिलीग्राम शुगर एडेड है, बट शुगर ऐड ज़रूर होगी। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे शरीर को जितने शुगर की ज़रूरत होती है ना, उतना तो यार हमारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे हमें मिल जाती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत है तो आप गुड़ खा सकते हैं जिसे अंग्रेज़ी में जैगरी कहते हैं, खजूर खा सकते हैं जिसे अंग्रेज़ी में डेट्स कहते हैं, या फिर शहद खा सकते हैं जिसे अंग्रेज़ी में हनी कह सकते हैं। वैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल भी कम ही करना चाहिए, इसके कुछ अलग फ़ायदे हैं, कुछ थोड़े बहुत नुकसान हैं, वो किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मीठे से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि शुगर आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही आप शुगर खाते हैं सबसे पहला अटैक होता है दांतों पर। दांतों पर जब ये अटैक करता है तो अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी का भी दांत ले लेना भाई, 2-3 चम्मच चीनी एक गिलास में मिला लेना पानी में और उस दांत को डाल देना, 3-4 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि उस दांत की क्या हालत हो गई है। ये कैविटी क्रिएट करता है, दांतों को कमज़ोर बनाता है, दर्द क्रिएट करता है, कई बार हमें अपने दांत निकलवाने पड़ जाते हैं, डेंटिस्ट के चक्कर लगाते हैं हम लोग कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन मीठा खाने से बाज नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, चीनी उसके बाद अटैक करती है हमारे पेट में जाकर, पेट में जाके ये बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करती है, हीट क्रिएट करती है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, इस तरह की समस्या आती है, और साथ ही साथ ये आपका फैट बढ़ाती है जो बहुत ही गंदा और बहुत ही बुरा फैट होता है, क्योंकि हमारा इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, समझ रहे हो ना। इनडाइजेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, खाना सड़ने लगता है, फैट क्रिएट करता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस क्रिएट करता है, गैस ज़्यादा क्रिएट होती है तो आपका स्टैमिना, आपका स्ट्रेंथ लो होता है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, पेट फूलना, भारीपन, जी मिचलाना, वॉमिटिंग वाली सिचुएशन भी आ जाती है, और इसका सीधा सा इफेक्ट आता है आपके हार्ट। 70-80% जो हार्ट अटैक्स होते हैं उसका रीज़न शुगर होता है, यानी कि शुगर से होने वाली जो कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका इफेक्ट आपके दिल पे आता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बताता हूँ आपको, इंटेस्टाइन में जाके चिपकता है, इंटेस्टाइन को गलाता है, ख़राब करता है, सड़ाता है। आगे मैं बताने वाला हूँ ये कि हमारे स्किन को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, अंदर की तरफ से शरीर में छोटे छोटे छिद्र करके उनमें जाके शुगर चिपक जाती है और यहाँ पे वो क्रिएट करती है गंदगी हमारे शरीर पर, बाहर स्किन पे रैशेस होते हैं, खुजली होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, फेस पर पिंपल्स होते हैं, कील मुहासे होते हैं, शरीर पर फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, इसका रीज़न है वाइट पॉइजन। जिम में जाकर कितनी भी एक्सरसाइज कर लो आप ठीक नहीं हो सकते, फिट नहीं हो सकते जब तक आप अपने रूटीन लाइफ को अच्छे से सही नहीं करेंगे, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शुगर को अपनी लाइफ से आज दीजिए। इसके बाद बताने वाला हूं कि ये आपकी हड्डियों को गलाता है, कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आप वज़न नहीं उठा पाते हैं, चलते फिरते आपको घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी शुगर क्रिएट कर देती है, मैदा भी ऐसा ही करता है, शुगर भी ऐसा ही करती है। ये दो वाइट पॉइजन जो है ना, ये अपनी लाइफ से जल्दी माइनस कर दो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो। इसके बाद ये हमारे ब्लड में भी ऐड होकर ब्लड शुगर क्रिएट करता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतनी सारी समस्याओं से अगर बचना है ना, एक सिंपल सा उपाय है, चीनी छोड़ दो आज से। दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये सब ना खाएं फिर कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। देखिए जितना ज़्यादा हम लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, बाहर का खाना, पैकेट वाला खाना, चिप्स खाने हैं, नूडल्स खाने हैं, चॉकलेट्स खानी हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उतना ही ज़्यादा हम बीमार पड़ते जा रहे हैं और ओवरऑल जो हमारी एज है वो भाई डे बाई डे कम होती जा रही है। अगर आप देखें तो 60-65-70 तक लोग जीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। पहले लोग 100 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल तक भी जीते थे, उसका रीज़न यही था कि उनका जो रूटीन लाइफ था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था,
और अपनी सेहत के साथ किसी भी तरह का वो खिलवाड़ नहीं करते थे। तो अगर आप भी जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, ये अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आपको मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आपके ऊपर से फैट बिल्कुल माइनस हो जाएगा, जॉ लाइन आपकी दिखने लगेगी, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा, डाइजेशन सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर पर बहुत लोड नहीं पड़ेगा, लेजीनेस फील नहीं करेंगे, बार बार आपको नींद नहीं आती रहेगी। तो अगर इतना कुछ चाहते हैं यार, तो बहुत सिंपल सा उपाय है ना, चीनी छोड़ दो आज ही, खिलवाड़ मत करो अपने शरीर से, एक अलग ही हल्कापन फील करेंगे शरीर में, जैसे हवा में उड़ रहे हो। तो गाइस, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, और कितना बताऊं यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे नुकसान हैं, बता नहीं पाऊंगा, आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाएंगे, और चीनी छोड़ने के कितने सारे फ़ायदे हैं वो भी मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कम शब्दों में बस ये बताना चाहता हूँ, चीनी छोड़ेंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन हिट कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।